हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। उनका टॉपिक था कि क्या वो कभी उनके लिए हिम्मत जुटा पाएंगे, उनको अपनी लाइफ में लेके आने के लिए, उनको अपनी लाइफ में पाने के लिए। वो जिस भी सिचुएशन से है, कमज़ोर पड़ रहे हैं, उनकी फैमिली बीच में आ रही है, या कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो अब दोनों के प्यार में बीच में आ रही हैं, वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं। तो वो ये जानना चाहते थे कि क्या वो कभी हिम्मत जुटा पाएंगे। तो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए ही होने वाली है जिनके पार्टनर उनको वो पाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, गिवअप करने की कोशिश करते हैं, उनको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना की ज़रूरत है इस कनेक्शन को सक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दो पाइल सामने रखी है, आप सिलेक्ट कर लीजिए पाइल वन ही पाइल टू। आप सिलेक्ट कर लीजिए कौन सी रिंग आपको अट्रैक्ट कर रही है। ये है पाइल वन, क्या वो कभी आपके लिए हिम्मत जुटा पाएंगे इस कनेक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए। ये है पाइल टू। तो मैं पाइल वन से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं क्या आपको अपनी लाइफ में पाने के लिए हिम्मत जुटा पाएंगे, क्या उनमें उतनी हिम्मत कभी आएगी। आपके जो पर्सन हैं, डेफिनेटली यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक कर रही हूँ। सॉरी, कार्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पे, अब शायद दिख रहा हूँ। थर्ड पार्टी की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो किसी और, शायद उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, ये कोई मैरिड हैं, वो ऑलरेडी मैरिड हैं, आप मैरिड हैं। तो इस तरह की सिचुएशन, मुझे चैलेंजिंग सिचुएशन आप दोनों के बीच में लग रही है। फैमिली नहीं मान रही आप दोनों की शादी के लिए, या फिर ये हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड है जिस वजह से वो उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, या अपनी फैमिली को कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, ना ही अपनी फीलिंग्स को उनके आगे एक्सप्रेस कर पाते हैं। पेन में तो है, ये हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो या आपके पर्सन की। यहाँ पे मुझे कोई पेन तो दिखाई दे रहा है, कोई हर्ट है, कोई डिसअपॉइंट है, क्योंकि वो हेल्पलेस फील कर रहा है, क्योंकि वो अपनी उस सिचुएशन से डील नहीं करना चाहता है। जिस भी सिचुएशन से है उसके साथ वो टक्कर नहीं ले सकता, करेज नहीं है उसके अंदर। इस चीज़ का उसको रिग्रेशन है। अगर आप सोचते हैं कि उसको रिग्रेट है या नहीं, तो हाँ, यहाँ पे मैं रिग्रेशन देख रही हूँ। एक बंदा एकदम टूटा हुआ है, हेल्पलेस है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे अपने बात करूँ, कैसे मैं इनको बोलूँ कि नहीं मुझे उससे शादी करनी है, या वो पर्सन मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है। ऐसी बात को कह पाना उनके लिए मतलब उतना करेज नहीं है अभी, डेफिनेटली नहीं है। वो सिर्फ स्टक है, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ले नहीं सकते, उनके पास अभी भी है गुंजाइश ऐसी कि वो कुछ कर पाए, लेकिन वो उन्हें करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो खुश हैं। लोग जिन लोगों की खुशी के लिए वो कर रहे हैं, वो उनकी खुशी के लिए अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। ये उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर अब वो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो डेफिनेटली वो उनके लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने लिए नहीं सोच रहे हैं। किंग ऑफ कप इन रिवर्स, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं भले ही वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो कुछ हद तक एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे थर्ड पार्टी के। अगर कभी ना कभी, कहीं ना कभी ना कभी ऐसे सिचुएशन आएगी, वो उनको अपने दिल की बात खुल के बताएंगे, वो आपके बारे में खुल के उनको बताएंगे कि नहीं मुझे उससे प्यार है, या हाँ वो मुझे पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। ऐसी सिचुएशन कभी ना कभी वो ज़रूर इतनी हिम्मत लेके आएंगे कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए।
यहाँ पे आप वेट कर कर के थक चुके हैं, मुझे पता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कोई 7 साल का वेट आप लोगों ने इस रिलेशनशिप के लिए किया है, 7 महीने भी हो सकता है कि आप लोगों ने काफ़ी ट्राई किया है और आप अब थक चुके हैं। अब आपने को शायद हिम्मत भी हार चुके हैं कि नहीं, ये बंदा कभी स्टैंड लेगा, स्टैंड लेगा या नहीं, इसमें मुझे एनर्जी नहीं आई। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये बंदा एक्सप्रेस जरूर करेगा उस थर्ड पार्टी के आगे जो आप दोनों के बीच में है, उसको एक ना एक दिन ज़रूर बताएंगे कि नहीं आप उनके लिए क्या हो। उसके बाद शायद डिसीज़न थर्ड पार्टी का ही होगा, ऐसी मुझे यहाँ पे गुंजाइश लग रही है। डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी को एक्सप्रेस तो कर देंगे, लेकिन वहाँ से यहाँ पे द टावर मूवमेंट मुझे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रॉय है। शायद वो एक्सप्रेस करेंगे तो कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में एकदम से काफ़ी बड़ा बिग चेंज आएगा जो उनकी उनको हिला के रख देगा। मतलब थर्ड पार्टी के साथ उनके टकराव की यहाँ पे पूरी पूरी गुंजाइश मुझे दिख रही है उनकी फैमिली के साथ। मतलब उनका रिलेशन टूट रहा है। अगर पेरेंट्स की बात है तो पेरेंट्स इस हद तक है कि वो नहीं मानेंगे, तो चीज़ें टूटती हुई दिख रही हैं। ये टूट कौन रहा है, मुझे इस कार्ड के बारे में और कुछ और देखना है कि ये किसके साथ टूट रहा है। ये थर्ड पार्टी के साथ टूट रहा है या ये आपके साथ टूट रहा है या उनके पेरेंट्स के साथ टूट रहा है, कुछ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ टूट रहा है। इसके लिए मुझे और कार्ड्स निकालने पड़ेंगे। एक्चुअली मैं रीडिंग अभी ख़त्म करने वाली थी, एक कार्ड और निकालने वाली थी, लेकिन इस कार्ड ने मुझे मजबूर किया है कि मैं कुछ और कार्ड निकालूँ। तो डेफिनेटली उनमें करेज आएगा। ये शायद मुझे यही दिखा रहा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन तोड़ेंगे, वो आपके लिए हिम्मत जुटाएंगे, इस कनेक्शन के लिए करेज उनमें आएगा। ये इस तरह की रीडिंग मेरे को निकल के सामने आई है। थर्ड पार्टी के साथ मतलब टूटेगा जो भी आप दोनों के बीच में आने की कोशिश करेगा, पे फैमिली भी हो सकती है, लेकिन मुझे वहाँ पे ये कुछ ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, क्योंकि कुछ टूट के ही आप मिल सकते हैं, तो काफ़ी एक तरह का भूचाल लाइफ में आएगा। लेकिन वो करेज जुटा पाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे फीलिंग्स को, जिससे काफ़ी कुछ परेशानियाँ आएगी। तो हमारी रीडिंग का आंसर मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्या वो कभी आपके लिए हिम्मत जताएंगे। तो हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड, जो मुझे दिखा रहा है कि हाँ वो करेज उनमें आएगा आपको अपनी लाइफ में लेके आने का। तो ये थी रीडिंग पाइल वन वालों के लिए। होप गाइस आपको रेजोनेट की हो मेरी ये रीडिंग। आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि इस तरह के वीडियो आप देखते रहें, एंटरटेन होते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल टू वालों के लिए। आवाज़ कम करो, कितनी बार मैंने बोला है आपको। पाइल टू के लिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में पाने के लिए उतनी हिम्मत जुटा पाएंगे जितनी हिम्मत चाहिए। यहाँ पे तो कोई फॉरगिवनेस में आने वाला है। ये कार्ड मैंने उल्टे पकड़ लिए हैं, इनको सीधा करूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी तरह का किसी ने किसी को धोखा दिया है, अपनी बातों को नहीं माना, अपनी गलतियों को रियलाइज नहीं किया, चीट कर किया है, किसी को धोखा दिया है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, क्योंकि आप वो चीज़ भूल नहीं पा रहे हैं कि आपने उस पर्सन के लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर दिया, आप ये सोच रहे हैं।
यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन आई, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, जिस वजह से आप इतनी एंग्जाइटी में आई, आपकी हेल्थ खराब हुई, आप इतने परेशान हुए, आपको नींद भी नहीं आती है, शायद रात को उठ उठ के आप रोते हैं, या फिर नींद में भी आपको वही दिखाई देते हैं। आज भी आप उसको पर्सन को भूल नहीं पाई हैं, ना ही आप उनका धोखा भूल पाई। प्लीज़ कीप क्वाइट। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून मेरे पास कार्ड है जो मुझे दिखा रहा है कि ये आपका कार्मिक साइकिल था। अभी भी आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आने वाला है और शायद चीज़ें अब बदलने वाली हैं। मैं ये देखना चाहती हूँ आपकी लाइफ में जो बड़ा चेंज आने वाला है वो क्या है। पाइल टू वालों के लिए, क्या आपके पर्सन ने आपके साथ जो भी किया उनको रियलाइज होगा, क्या उनको अपनी गलती का एहसास होगा, क्या वो आपको अपनी लाइफ में पाने के लिए हिम्मत जुटा पाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे यस नज़र आ रहा है कि ये जो बड़ा चेंज आने वाला है ये तो पहले आप में आएगा। ये बड़ा चेंज आपके पार्टनर में आए ना आए, लेकिन मुझे आपकी एनर्जी में सबसे बड़ा चेंज आते हुए दिख रहा है। सी दिस कार्ड, सी यहाँ पे मुझे आपकी इतनी नेगेटिव एनर्जी दिख रही है, आप इतनी लो एनर्जी में दिखते हैं। ये जो बड़ा चेंज आएगा ये आपको सेल्फ लव सिखा के जाएगा, ये आपको अपने आप के अंदर कंप्लीट करके सिखा के जाएगा, करना सिखाएगा कि कैसे किसी के बिना अकेले भी रहा जा सकता है। यहाँ भी मुझे ऐसी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आ रही है कि ये जो टाइम है आपके लाइफ में आने वाला ही आपको पूरी तरह से बदल देगा। आप फाइनेंशियल भी स्टेबल रहेंगी, आपको किसी पार्टनर के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। यहाँ भी मुझे सेल्फ लव की एनर्जी ही नज़र आ रही है। आपकी फैमिली भी अच्छी मुझे दिख रही है। यहाँ पे मैं ये बात कर रही थी कि उनको कभी हिम्मत आएगी, तो उनके एनर्जी तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। एक सेकंड, मुझे और एक दो कार्ड निकालने हैं कि क्या कभी उनमें हिम्मत आएगी आपके लिए। जी वो तो अभी जगलिंग के ही मूड में है, आपके जो पर्सन है तो बहुत ही कम चांस है कि वो करेज जुटा पाएंगे, क्योंकि आप ही अपने आप में इतना कंप्लीट हो जाएंगी कि आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा उस पर्सन के लिए वो हिम्मत जुटाए या ना जुटाए, क्योंकि आप ही अपनी फैमिली में खुश हो जाएंगी। आपके आपके इस लाइफ में सब कुछ आपको मिलेगा। ये जो बड़ा चेंज आने वाला है ये आपके लिए ही है। ये आपको, आप अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, वो मैरिज अच्छी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छा फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी, भले ही पहले ख़राब थी, और आप सेल्फ लव में आएंगी, आप अपने साथ के लोगों को खुश रख पाएंगी। और आपके जो पर्सन हैं तो उनको एहसास होगा या नहीं, तो यहाँ पे मुझे वो जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं, कहीं बैलेंस बनाने की ही कोशिश की जा रही है। क्या वो, जी यहाँ पे ये मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी भी नज़र आ रही है पाइल टू वालों में भी। तो अगर ये आपके ट्विन फ्लेम हैं तो यस, करेज उनमें आएगा। एक वॉरियर की एनर्जी मुझे दिख रही है कि हाँ, लेकिन आपको पहले सेल्फ लव में आना है, उसके बाद ही आपके पर्सन की एनर्जी बैलेंस होगी। वो भी अपनी एनर्जी को जब बैलेंस कर लेंगे उसके बाद ही वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि यस, उनमें करेज आएगा। डेफिनेटली आएगा, इनर वर्क करने की ज़रूरत है आप लोगों को, तो डेफिनेटली उनमें करेज आएगा कि वो आपके पाने के लिए हिम्मत जुटा पाएंगे और आपकी लाइफ में आ जाएंगे। वो जिस भी सिचुएशन से अभी डील कर रहे हैं, जिस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ परेशानियाँ हैं, लेकिन वो चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं और वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। वो जो हिम्मत चाहिए उनके अंदर वो हिम्मत आएगी, एक वॉरियर की तरह वो आपको अपनी लाइफ में पाने के लिए आएंगे।
होप गाइज आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। आप मुझे लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो। अगर नहीं करती है तो डेफिनेटली आपको ये रीडिंग देखनी भी नहीं चाहिए अगर आप शुरू में ही आपको नहीं अगर मैच हो रही है तो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आप देखते रहें, इंटरटेन होते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।